तो दोस्तों फाइनली भूल भुलैया फिल्म का पहले गाने का टीजर रिलीज हो चुका है, जो कि दोस्तों ओरिजिनल सॉन्ग से ही उठाया गया है। जैसे कि हमें पता है जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तभी दोस्तों इस गाने ने एकदम क्रेज बना दिया था हरे राम वाले गाने में। दोस्तों उसी का रिक्रिएशन हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और खास बात मुझे ये लगी कि इसकी जो म्यूजिक को फिर से रिक्रिएट किया गया है, और दोस्तों जो रिक्रिएट किया है वो है तनिष्क बागची ने, जो कि बिल्कुल म्यूजिक डायरेक्टर है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की म्यूजिक अपने हर एक गाने में देते हैं। तो उन्होंने इसे रिक्रिएट किया है तो ये गाना बिल्कुल और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। और मुझे बात अच्छी लगी कि इस गाने की जो सिंगिंग की गई है वो नीरज श्रीधर ने ही की है, क्योंकि उन्होंने पहले भी गाना यही गाया था। और तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि इस गाने में रैपिंग भी हमें देखने को मिलेंगी, वो दोस्तों होंगे हमारे मेलोडी साहब के तरफ से, तो मेलोडी की जो रैपिंग होती है वो भी बहुत बढ़िया होती है। और दोस्तों मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अंडररेटेड रैपर मैं इन्हें मानता हूं, क्योंकि इनकी सिंगिंग और इनकी रैपिंग में एक अलग स्टाइल है जो कि आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा अगर आपने अब तक इनका गाना नहीं सुना। तो टीजर के बारे में दोस्तों मेरा क्या कहना है, दोस्तों मेरे हिसाब से टीजर में कई सारी नई चीजें ऐड की गई है, साथ ही साथ कार्तिक आर्यन का हमें जबरदस्त वाला डांस भी देखने को मिलेगा, जो कि टीजर से ये बात क्लियर हो चुकी है। और दोस्तों मेरे हिसाब से कुछ चीजें कॉपी करना उतना कुछ बुरा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों अगर उसे आप रिक्रिएट कर रहे हो, कुछ अलग लेवल पे पहुंचा रहे हो, तो उसका लेवल बढ़ा रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है। दोस्तों गाना वैसे 2 तारीख को रिलीज होने वाला है, 2 मई को, देखते हैं दोस्तों गाना क्या कुछ कमाल कर पाता है और क्या बड़े रिकॉर्ड्स बना पाता है। दोस्तों मेरे हिसाब से एक अच्छा टीजर है, देखते दोस्तों गाने का वेट करते हैं हम।